ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾਂ 99 ਲੱਖ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਸਖਾਵਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਬ ਚੋਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20-30-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਮਦਰਸੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲਈ ਯਤੀਮ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਖਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਛੱਡੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਯਾਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਛੱਡੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਖਾਵਤ ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਛੱਡੇ ਐਵੇਂ ਸਖਾਵਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬੀਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬੀਤੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਨਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੁਮੰਦਾ ਸੁਣਾ ਜੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਜਾਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਰੁਦ ਓ ਸਲਾਮ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪੈਗੰਬਰੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਹਿਬੂਬੇ ਰੱਬੇ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਸ਼ਫੀਉਲ ਮੁਸਨਬੀਨ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸੈਯਦੁਨਾ ਵ ਇਮਾਮੁਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵ ਆਲਿਹਿ ਵ ਸਹਬਿਹਿ ਵ ਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ
कि यह बड़ी मजबूत चीज़ है, एक कंपनी ने सैंपल तैयार किया। सुनिए गल के कोई ना, यह बहुत आला चीज़ है, ये असी बेचनी तो नहीं सी, लेकिन तुसी अपने बंदे हो तो ये ना सैंपल है समझ लो। और बंदा आंदा यार सैंपल है तो कमाल चीज़ होएगी, बनाने वाले अखीर कीती होएगी। तो रब्बे सुल जलाल ने जो आमिना दे लाल अली सलाम दी जिंदगी अंदर आका पाक नू हुजूर दे तर्जुमान हुकूक दे जान निसार ताबे आदार अता गुजार दिते ने, समझ लो ईमान दा सैंपल तैयार कीता। और आमिना दे लाल अली सलाम ने, मैं गल कोलो नहीं कर रहा सैंपल वाली, जरा तवज्जो फरमाना। और आका पाक अली सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, के कायनात दे लोगो ये इतने अजीम लोग ने, इन्हां दे बारे गुफ्तगू करन तो पहले इन्हां दे बारे जुबान चो एक हरफ कढ़न तो पहले रब तो डरिया जे अगर सैंपल अंदर नुक्स कढ़ोगे तो पिछे कोई ईमान वाला बच सकदा नहीं बच सकदा। और आमिना दे लाल ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, और मेरे सहाबा सितारियां दी मानिंद ने, सियाने बंदे जानते ने। और जनाब सहरावां दे अंदर रात दियां तारीकियां दे अंदर लोग अगर सीधे रस्ते दा तायुन करदे ते किहदे वल वेख के, सितारियां वल वेख के। और आमिना दे लाल अली सलातु व सलाम ने फरमाया, आका पाक अली सलाम फरमा रहे ने, फरमाया लोगो मेरे सहाबा ओ ने, अगर तुसी कायनात रब दे रस्ते च खर्च कर दो और वो एक मुठ जौवां दी खर्च कर देन ते तुसी उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते। और सहाबी इन्नी शान वाला हुंदा, एक बंदा 40 साल लगातार इबादत करता रहे और एक बंदा कलमा पढ़ के लम्हा पर आका कोल बह के आका दे चेहरे की जियारत करता है, वो 40 साल वाला एदा मुकाबला कर सकता नहीं कर सकता। मैं कुर्बान जावा आमिना दे लाल अली सलातु व सलाम दे सहाबा, अल्लाह जुल जलाल ने एडी अजीम जमात जेदे बारे आका पाक ने फरमाया ला तसुबू असहाबी, और कायनात दे लोगो मेरे सहाबा दे खिलाफ बकवास करना ते दूर दी गल ले, और मेरे सहाबा बारे कदी इंज उंगली भी ना चुके आ जे ए भी मैनू ते मेरे रब नू गवारा नहीं। अल्लाह अल्लाह आओ बिला तमहीद अपनी बात नू चलावा, और उस ईमान दे जो मैयाब ने ईमान दी कसवटी ने और सैंपल मोमिन बनन वास्ते जो अल्लाह पाक ने दिता है, मैं पहले कुरान विचों दलील पेश करा और अपने मजमून नू चलावा। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे लाड पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनियो अपनी जुबाने नबूवतों आप ऐलान फरमा दियो। अल्लाह फरमांदे ने फा इन आमनु बेमिसले मा आमन तुम बेही फकद तद
फना मनु बेमिसले मा आमन तुम बेई फका देह तदो। अगर तुसी ईमान ले आना चाहते हो, कायनात दे लोगो हदायत पाना चाहते हो, अगर जन्नत दे रस्ते ते चलना चाहते हो, अगर रब वाले बनना चाहते हो, औलिया अल्लाह दी जमात अंदर शामिल होना चाहते हो, अगर तुसी अपने आप नू मोमिन कहलाना चाहते हो, फिर मेरे नबी दे अबू बकर वाल वेखो, मेरे नबी दे उमर वाल वेखो, मेरे नबी दे उस्मान वाल वेखो, तलहा जुबैर वाल वेखो, अली अल मुतज़ा वाल वेखो, ओ साथ दे सईद वाल वेखो, एक एक सियापी वाले वेख के चलना तुहाडा काम में, ईमान दा सर्टिफिकेट देना मेरा काम है। और नबी दे सहाबा वल वेख के अपना ईमान बना लो। अल्लाह अल्लाह, आओ जड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना, जदों ये कुराने पाक ने दसिया है ना, ते मुनाफिकीन दिया जमाता और जेड़े अंदरों होर विचों होर बारों होर ओना वेख्या है ते ना माल वेंदे ने, ना जान वेंदे ने, ना दिन ना रात, ना अम्मी ना अप्पू, ना यार, ना सज्जन, ना साथी, ना कारोबार, ना कोठी, ना बंगला, ना पहली, ना मुरब्बा, और ना दुनिया, ना आ जना, ना जिंदगी, ना मौत वेंदे ने, इना दे हर शाही दा दे ला दीती है, ते सानू आर्डर है इना वाल वेख के ही मान ले आओ। ये ते बेवकूफ ने इंजी मान लिया, इधर बंदा अपना आप ही ते बचांदा है ना। आओ जरा कुरान सुन लो, अल्लाह फरमांदे ने वा इजा की ला लहुम आमिनु, माइक दा वॉल्यूम खोल, वाइजा की लाला हम आमनु कमा आमन नाजो कालू अनु मेनु कमा आमन सुफा अला इन्ना हम सुफा वला किला यालम। अल्लाह फरमांदे ने सोने हो, जदों इन्हां नू कहा जांदा है ना ईमान ले आओ, उंज जिवें अबू बकर ईमान लैके आए ने, जिवें उमर ईमान लैके आए ने, जिवें जनाबे उस्मान, जिवें अली उल मुर्तजा, तलहा जुबैर, साद सईद, अब्दुल रहमान इब्ने औफ, दीगर नबी दे सहाबा ईमान लैके आए ने, उंज दा ईमान लैके आओ ना। ये फौरी तो बेवकूफ ने नाउज़ बिल्ला, असी ये बेवकूफी नहीं करना चाहते। अल्लाह सुल जलाल ने ना फौरी तौर उत्ते जवाब दिता है, अल्लाह फरमांदे ने अला इन्ना हुम सुफा। और मेरे नबी दे बेलियां नू बेवकूफ कहने वालो, मेरे नबी दे यारां नू अल्लाह नाउज़ बिल्ला पागल कहने वालो, तुसी खुद बेवकूफ हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी दे सहाबा ते ईमान दा मयार ने, मैं कुर्बान जावां, इन्हां की वेख के आखिया, इन्हां वेख्या ना ते जान वेंदे ने, ना ए औलाद वेंदे ने, ना भैणां ते भाई वेंदे ने, ना जनाबे सज्जन साथी बेली वेंदे ने, ना अपना आप वेंदे ने, ना दिन ते रात वेंदे ने, ना जनाब कारोबार वेंदे ने, ये ते नबी ते यार से लुटाई जा रहे ने। अल्लाह अल्लाह, कुरान दी इस आयत दी अमली तफसीर बने ने, आवाज आउंदी है कुल इनकान आबाउकुम, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़
نزلناها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. अल्लाह फरमांदे ने ना ये मेरे सोनिया इन्हां नूं कह दिओ अगर तुहाडे मां बाप तुहाडियां औलादां रिश्तेदारियां भैन भरा और तुहाडे सज्जन साथी बेली बरादरियां कारोबार तुहाडे मामलात तुहाडी तजारत तुहाडा सीमो जर मुरब्बे पैलियां कोठियां सारा कुछ अल्लाह उस दे रसूल नालों ज्यादा महबूब है फिर रब दे अजाब दा इंतजार करो. मैं कुर्बान जावां नबी दे सहाबा ने फिर ना मां बाप देखिया ना औलाद देखी ना भैन भाई देखे ना रिश्तेदारियां ना अजवाज ना बरादरी ना कारोबार ना मिला ना फैक्ट्रियां मुरब्बे ना पहलियां. और जनाब कायनात आमिना दे लाल दे कदमा तो निशावर कर दीती है और अपने आप नू ईमान दा मयार बना के कायनात के सामने पेश कर दीता है. अस वाले रब ने वेखिया फरमाया इन्ना वल वेंदे आओ इन्ना दे पिछे चल दे आओ जेड़ा इन्ना दे पिछे चल के आएगा मोमिन कहलाएगा. अगर इन्ना ते तबर्रा करेगा ओदे नाल दा लाइन कायनात ते और कोई नहीं हो सकता क्योंकि मैं सहाबा नू ईमान दा मयार मुकर्रर कर दिता है. बोलो सहाबा ईमान दा मयार ने कुरान ने आख्या मैं नहीं आख्या. आ जरा गौर फरमाना ऐ पहली बात इन काना आबाओ कुम आबाओ सोने इन्हों कहो न जे इधर आना है तो बाप बाप छड़ने पे हूँ सहाबा ने की किया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अपने वडे किवें छड़ के तुर पे ने अपने वडेरियां नू किवें छड़ के नबी ना जुड़ गए ने माँ बाप किवें कुर्बान किया नबी की मुहब्बत आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जान निसार जनाबे साद रजी अल्लाह ताला अनो आमिना दे लाल दी मजलस दे अंदर बैठे ने बैठे हाँ जदो जनाब मजलस बरखास सुनदी है बाहर निकले ने बाहर निकल के वेख्या चौक दे अंदर मजमा लगा हुआ है चौक दे अंदर रश पिया हुआ है जनाबे साद करीब गए ने जाके कहन लगे हो बेलियो इत रस का लगा हुआ है लोग कह लगे हो बेनसीबा इतने तेरी मां बैठी हुई है अगे होके ते वेखना जनाबे साद अगे होए ना अगे होके वेख यार अम्मी ने वाल खलारे ने सिर दे अंदर मिट्टी पाई है रेत पाई है उची उची वा वेला करी जांदी है कह लगी हो साद मैं तेरे सिर चढ़ के अज मर जाना है साद इतने धुप्पे अपनी जान दे देनी है अम्मी जी खैरी है ना कह लगी ओ साध गल जेन नशीन कर ले आज दो मीमा दा मुकाबला है या अम्मा रहेगी या मुहम्मद रहेगा. गज के कहो सल्लल्लाहु एडे ठंडे हो गए नबी दे सहाबा दी अजमत या नबी पाक अली इस्लाम दा नाम पाक सुन के ये कोई ईमान दा तकाज़ा है जिहड़े तुहाडे हालात ने मां बाप कट्ठा कुर्बान करना है औलादा तुसी दे जनाब आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद. मैं बहुत दियां तुहानू गल्लां नहीं सुनाना चाहता कम अज कम तुसी आप ही यार वेख्या करो नबी दा नाम आए कलेजा फट जाना चाहिए मुहब्बत दा जोश मारना चाहिए जनाबे मुहम्मद बहाव नहीं पैदा हो जाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू कहना ना पै सहाबी दे नाम ते कट मरन लई तैयार हो जाया करो रज़ी अल्लाह तआला की नजराना है ते कुरान दी सुन्नत है रब रहमान दी सुन्नत है सैयदना जनाबे साथ
रजी अल्लाह ताला अनह साध आज एक पासा रख ले। साध कहन लगे अम्मी गल की है, आओ ये तोट के घर चलिए। अम्मी जी चौकां दे अंदर इंज तमाशे नहीं लाई दे। अम्मी जी इंज तुसी वाल खोल के बैठी हो, उते गर्मी किन्नी पै रही है, सिर अंदर मिट्टी ते रेत ते जनाब सवा पाई जा रही हो। अम्मी जी उठ के एक दफा घर ते आओ ना, धुप्पे उठ के छावे हो जाओ ना। अम्मी जी एक दफा आके नहा के कपड़े चेंज करो, मेरे ना बैठ के गल बात ते करो ना। ओए साध इत्थे ही मर जाना, फैसला कर ले मैनू रखना ही या मदीने दे ताजदार नू रखना ही। मैं कुर्बान जावा जनाबे साध अम्मी वाले वेख रहे ने, और वेख ना जा तसव्वुर ते करना, तेरी मेरी अम्मी भी ते आवे ना। एंड चौक अंदर बैठी है, कहन लगी साध लोका तेनू ताने मारने ने, लोका तेनू मेने मारने ने। साध दी अम्मा साध तो दुखी हो के धुप्पे जनाब तड़प तड़प के मर गई है। साध मैं उठ के नहीं जाना। साध कहन लगे अम्मी आखरी फैसला है। हाँ हाँ आखरी फैसला है। फरमाया हुण मैनू अपना फैसला करन दिओ। की कहना आंदे ने साध के आ सुन मानी मेरी, जे सौ वरी मर जावे सौ वारी फिर जिंदा होवे, मैनू कलमा ही पढ़ दिया पावे। नहीं ना रब ने के आफा इन आमनू बे मिसले मा आमन तुम बे फाका दे तदू। ऐते दे जनाब बरादरी ते बंदा वेस जांदा है। ऐते दे की करिए जी कुड़मा चारी है, की करिए करना पैंदा है। धियां दित्तियां ने, पुत्तर दित्ते ने, व्याह ने, इंज कीता उंज कीता मर जांदा। इहदे नाल ओह ना जमदा। तू नबी दी शरीयत दे अगे कदी बरादरी दा उज़र पेश करना है, कदी जनाब कुड़माचारी दा उज़र पेश करके बिदात दा साथ देना है। काबे ते रब दी कसम एवें ते नहीं। रब ने फरमाया वा इन आमनु बेमिसले मा आमन तुम बेई फाका देहता दूं। फरमाया लोगो अगर ईमान ले आना चाहते हो, इंज नबी दे यारां वर्गा लैके आओ। मां बाप की गल हो रही है, वड्डियां की गल हो रही है। मैं कुर्बान जावा हजरत जनाब है। आया जनाब एदा नाम है अब्दुल उज़्ज़ा, अपने घर च रहिंदा पिया। एदा बाप दुनिया तो चला गया है। एक माँ है, एक चचा है, और जनाब बरादरी रिश्तेदारी। अब्दुल उज़्ज़ा दे कान च आवाज पई है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब्दुल उज़्ज़ा ने सुनिया। मैं सदके जावा सिहाबा दा ईमान वेखिया, माहौल वेखिया, दावत वेखी है। एक दिन ना अंडोली चाचे नूं बुलाया, कहन लगे चाचा जी अरसा गुजर गया, तुहाडे नाल गल करना चाहना वा। मैं सोचिया समझिया तुहाडा इंतजार भी कीता, शायद अपने आप ही तुसी इस लाइन ते आ जाओ, पर चाचा जी मैनू नहीं जापदा। अहे पुत्र की कहना चाहना है? कहन लगा चाचा जी मैं शरीयत मुहम्मद वेखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आमिना दे लाल दियां तालीमात नूं देखे आए, मैं कमली वाले आका दे जनाब नाजल होने वाले कुरान नूं पढ़िया सुनिया, और मैं ये निजाम वेख्या। चाचा जी मेरे दिल अंदर कमली वाले दी मुहब्बत बैठ गई है, और मैं कलमा पढ़ना चाहना वा। मैं क्या तुसी भी मेरे नाल कलमा पढ़ोगे? पर चाचा जी मैनू चाप दे, तुसी इस पासे आने वाले नहीं हो। कहन लगा भतीजे साची देखे आई ना, वाकई मैं इस पासे नहीं आना। लेकिन याद रखी अगर तू कलमा पढ़ लिया ना, ए ऐसो इसरत है, बरादरियां है, मालो दौलत है, घर ते बार ते कारोबार है, तेरा सारा निजाम ओ मेरे भतीजिया तेनू आ कर दिता जाएगा, तेनू घरों कर दिता जाएगा, तेनू मैं अपने कोल नहीं रख
रखना, हर शह तेरे को खो लेनी है। अल्लाह पाक दी कसमे जदे दिमाग अंदर दिल अंदर नबी दी मुहब्बत आ जाए, ईमान दी दौलत आ जाए, हर शह लुटा सकदे पर आमिना दे लाल दे नाल मुहब्बत अंदर कंप्रोमाइज नहीं कर सकदा। ये कहन लगा चाचा जी सारा कुछ ही कबूल है। उन्हें क्या चल वे निकल जा, कढ़ सारा कुछ इत्थे रख दे, निकल जाए तो। ये रात दियां तारीकियां ने और सर्दी दा मौसम है, इन्हें हर शाय रख दी है और अपने चाचे दे घर चो बाहर निकल रहा है। अजे बाद दरवाजे ते गया है न, चाचे ने आवाजा मारियां, कहन लगे अब्दुल उज़ा ए जड़े तन लीड़े पाए नी, ये भी तो मेरी कमाई दे ने। इंज कर, अगर वाकई तू अपने दावे अंदर सच्चा है, कपड़े भी ला के दे जा। अब्दुल उज़ा रात दियां तारीकियां ने और सर्दी दा मौसम है, दीवार दी ओट अंदर हो के अपने कपड़े उतार दिते ने और इंज करके चाचा वल सुट के तुर पैंदा। अम्मी दा जाके दरवाजा खटखटाया, अम्मी ने आवाजा मारियां, कौन? मां जी मैं अब्दुल उज़ा वा, मैं सदके मैं वारी मैं कुर्बान, मेरा पुत्र अद्धी रात वेले खैर ही न मेरे बुए ते चल के आया है। इन्हें खलोतिया खलोतिया सारी गल दस दीती है। मां कहन लगी है, ओ मेरे पुत्र हुण तेनू मैं दोबारा पुत्र भी नहीं आखना ते बुआ भी नहीं खोलना। जे चाचे कर दिता है न मेरे वालों ही फारग है, चाचे का कलमा पढ़ना चाहना ओदे कोल ही चला जा। कहन लगा अम्मी जी आना तुहाडे बुए ते भी नहीं सी। चाचे ने निकलदिया मेरे तन दे लीड़े भी लवा लैने, मेरे तन दे कपड़े भी उतरवा लैने। अम्मी जी मैनू बिलकुल ही परहाना कर दिता है, मैं तुहाडे बुए ते तरदा आवा। अम्मी जी तन कजन नू कपड़ा चाहीदा है। मां ने पुराना जिहा बोरिया इहनू दीवार दे उत्तों दी बार सुटिया है। ये जनाब अब्दुल उज़ा ने दो टोटे कर लेने, एक तेड़ बन लेंदे ने, एक मोटिया ते सुटिया ते तुर पैंदे ने। चलदे आ चलदे आ कई रातां दा सफर, पैरां दे अंदर जुत्ती कोई नहीं। जिहड़े मदीने सर्दी अंदर हो के आए ने वह जानदे ने मदीने सर्दी दे थपेड़े किवें पैंदे ने। अल्लाह अल्लाह, जनाब अब्दुल उज़ा पैरां छाले पै गए ने, हड्डियां फट जांदियां ने और पैरां चो जारो जार खून चलदा पिया और पिंडलियां ते वरम आ गए ने। भुखे प्यासे दिन रात सफर करदियां करदियां मदीना तैयबा दे अंदर पहुंचे और मस्जिद नबवी अंदर। हुण वी रात दियां तारीकियां ने आके मस्जिद इक सतून ना टेक ला के बह गए ने और सर्दी ना कपकपा रहे ने, थर थर पे कंबदे ने। अल्लाह अल्लाह, मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम दे कन्नी इहदे ठिठरन ते जनाब इहदी सर्दी ना कंबन दियां आवाज़ां और मूँह चो निकलन वाली आवाज़ मेरे पैगंबर दे कन्न च पई। आका पाक उठे ने अंधेरा ते मस्जिद अंदर आ गए ने। आप आके फरमांदे ने, ओ कौन है मस्जिद च? ये अब्दुल्ला है। अब्दुल उज़ा उठदा, उठ के कहन लगा, सोनिया मैं अब्दुल उज़ा वा, मैं अब्दुल उज़ा वा, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम नू अपना तारफ करवाया। आका फरमांदे ने, किवें दा माहौल बना के बैठा होया? कहन लगा, सुने हो इंज इंज दियां कैफियतां और इंज मेरे चचा ने निकाल दिता है। मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम ने दोनों बाजुआ तो पकड़ के उठाया, अपने कलेजे नाल लगा लिया। आप फरमांदे ने, अब्दुल उज़ा तेरा अंदाज इन्ना प्यारा लगा, तेरा तरीका कार इन्ना प्यारा लगा। ओए अब्दुल उज़ा, इस तो बाद तू अब्दुल उज़ा नहीं बल्कि तेरा मुकाम रब दे नजदीक अब्दुल्ला दा मुकाम होएगा।
मैं तेरा नाम अब्दुल्ला रखना वा और इन्हों का लकबजुल बजा दैन पै जाता है दो टाटा वाला और कुरान ना इन्ना प्यार है कुरान ना इन्निया मुहब्बत ने लोग फजर दिया सुन्नत पढ़ते ने और अब्दुल्ला उची उची कुरान दिया तिलावत करया करते ने जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अनु एक दिन अगे होके कह लगे अब्दुल्ला तू कुरान उची उची पढ़न दे तेनू नहीं पता लोग सुनता पढ़न दे ने आमिना दे लाल ते कन्नी आवाजा पै गई फरमाया उमर इनू कुछ ना कह एक गल ठीक है कि नमाज पढ़न वाले आंदे कोल उची आवाज ना कुरान नहीं पढ़िया जांदा पर उमर अब्दुल्ला नु ना रोक ए ते कुरान दी खातर पूरा जहान छड़ के आ गया और फिर रब क्यों ना कह अगर मोमिन बनना चाहते हो तो मेरे नबी दा अब्दुल्ला जुल बजा दैन वेख लो कौन नबी दे सहाबा काबे दे रब दी कसम हर शह ही छड़ दीती है मैनू सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु दी मिसाल याद आ गई आमिना दे लाल ही सलाम ने छोटी जी अक्सर मैं तुहानू मिसाल दिया करना आमिना दे लाल ने फरमाया चंदा लैके आओ की लैके आओ चंदा लैके आओ सहाबा लैके आ रहे ने उमर आंदे ने उन्हां दिनां च मेरे कोल माल वाहवा सी मैं क्या हर वेरी अबू बकर अगे लंघ जांदे इस दफा अबू बकर तो मैं अगे गुजर जाना है अल्लाह ये भी माल लैके आए ने मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने सारे दा माल रख लिया आका हुण पुछन लग पैने सुना वे की लैके आया ते की छड के आया ये कहंदा जी इन्ना लै आया इन्ना छड आया दूजा आंदा इन्ना लै आया इन्ना छड आया तीजा आंदा इन्ना लै आया इन्ना छड आया मैं कुर्बान जावा उमर की लैके आया ते की छड के आया उमर कहन लगे सोनिया नबिया अद्धा लै आया अद्धा छड आया वा ओए अबू बकर तू की लैके आए की छड के आए अबू बकर आंदे ने सोनिया तुसी हुण कह रहे हो की लैके आया की छड के आया वा सोनिया नबिया जदों तुसी ऐलान कीता सी माल लैके आन दा हुक्म कीता सी छड के आउण दी गल ही नहीं सी कीती तुसी कहा सी माल लैके आओ सोनिया जो कुछ मेरे घर सारा माल ही सी ना सारा कुछ ही ले आया वो इस मौके ते मैनूं याद आया हातम ताई दी एक बात बड़ी प्यारी एक दफा ना हातम ताई नूं किसी ने पूछया कि तुसी एडे वड्डे सखी हो एडे वड्डे सखी हो क्या तुहाडे तो बढ़ के भी कोई सखी बंदा तुसी वेख्या हातम ताई कहन लगा बिल्कुल मैं वेख्या बिल्कुल मैं वेख्या हुण ओह बंदा कहन सुनने वाला हैरान कि जदों इहने वेख्या तां इहदे दौरे च ही होएगा ना फिर चर्चे इहदे क्यों ने उहदे क्यों नहीं है हैरानगी तां हुंदी है ना कहन लगे जी किवें ते किथे कहन लगे एक पिंड च मैं देखिया एक यतीम बच्चा है वह मेरे नालों भी बढ़ के सखी है मेरे नालों भी उन्हें कहा अच्छा वो किवें एक दिन ना उस बच्चे ने मेरी की थी दावत की कीता मैं दावत खान तुर गया तो उन्हें ना मगज बना के मेरे अगे रखे है बकरे का मगज बना के बड़ा प्यारा मेरे अगे रखे है और बच्चा मेरे नाल बैठ गया और मैं पहला नवाला बिस्मिल्ला पढ़ के तोड़े है और नवाला ला के मुँह च गया है ना मैं क्या वल्लाहि तैयब अल्लाह की कसम अखीर जैका है कमाल खान है कहन लगे इन्नी गल बच्चे ने सुनी है तो उठ के ना बाहर तुर गया ए, मैं वो इंतजार च बैठा वा आए हूँ बहर मैं नहीं निकलता अगले कमरे च बैठा वा बहर की अंदाज है की हिसाब है मैं बैठा कभी नवाला तोड़ लेना वा कभी खाना वा बैठा उड़ीकन दिया वा की यार बनया अद्धे पौने घंटे बाद ना वो दोबारा अंदर आया एडा थाल उन्हें मगज का भरया पका के और लिया के मेरे अगे रख छड़े वो घंटा डेढ़ घंटा जिन्ना भी वो इंतजार किया बैठ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਜ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੇਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ 28-30 ਬੱਕਰੇ ਸੇਨ 'ਚ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਗਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਊਂਟ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਬੱਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਇਹ 30 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੱਲਾਹੀ ਤਾਇਬ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ 99 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਸਖਾਵਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੈਂ 1 ਅਰਬ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20-30-50,000,00,000 ਰੁਪਇਆ 2 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਮਦਰਸੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲਈ ਯਤੀਮ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਖਾਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਛੱਡੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਯਾਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਛੱਡੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਖਾਵਤ ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 1000-ਤੋਂ 100 ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਛੱਡੀ ਐਵੇਂ ਸਖਾਵਤ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾ ਇਨ ਆਮਨੂ ਬੇਮਿਸਲੇ ਮਾ ਆਮਨ ਤੁਮ ਬੇਈ ਫਕਤ ਤਦ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦ ਬਿਨ ਸਕਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਜਨਾਬ ਛਲਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਨੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਲਈ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦ ਬਿਨ ਸਕਣ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਦ ਐ ਜ਼ਿਆਦ ਸੁਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਸਾਦ ਸਿਰਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਵੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਸ ਵੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਖਸਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ
आमिना दे लाल ने साध नू अपनी गोदी च पा लिया ते साध आमिना दे लाल वल वे ऐ ज़ियाद आमिना दे लाल वल वेख रहे ने ते नाल सुबाने आनंदे ने ओ मैं गुलस्तान में जाके हर गुल को देखा न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है निकल जाए जा तेरे कदमों के नीचे यही दिल की हसरत यही आरजू है एवं ते नहीं ना कुरान कह रहा फा इन आमनू बेमिसले मा आमन तुम बे फाका दे हता दूं आओ आखरी बाता नबी दे से आपा अल्लाह सुल जलाल दी कसम अपना आप लौटा दीता है लेकिन एक मयार बना के दिखाया है एक जंग दा मौका आमिना दे लाल दे से आपा जंग खत्म हो गई है ते जख्मियां दे ख्याल वास्ते आमिना दे लाल आ भी निकले ने अपने से आपा नु भी आंदे ने पता करो जख्मियां दा शहीदां दा सुहादा दा पता करो पता करदे आ करदे आ एक सियाबी एक जख्मी दे कोलों दी गुजरे आ इंज जापदा आखरी आखरी घड़ियां ते आखरी साह ने ये आंदा पानी 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 पानी, पानी दियां आवाजां लगा रहा है पता देना एक बंदा जख्मी और जंग लड़दा लड़दा मैदान जंग अंदर मौतों हयात दी कसम कसम अंदर किन्नी प्यास लगी होएगी पानी दे दो पानी दी प्यास लगी है ये जनाब बंदा दौड़िया गया वो तो पानी दा प्याला लेके आया ये करीब लेके पहुंचया ना इनू जनाब बड़ी मुश्किल ना उठाया पानी दा प्याला ये मुंह दे करीब कीता ये पानी पीन लगाए अगली साइड तो एक और जख्मी आवाज देंदा पानी चाहिदा है प्यास लगी है कोई पानी मेनू पिला दो इन्हें अपना प्याला उस वेले मुंह तो हटा दिता है प्यास दियां शिद्दतां दे बावजूद कहन लगा मेनू पानी दी लोड़ नहीं मेरे तो ज्यादा जरूरत उस मेरे वीर नू जाओ पानी ओनू पिला दो ये लैके पानी दा प्याला उधर पहुंचे है जदो जनाब दूजे बंदे दे होंटां दे करीब पहुंचे आ तीसरे पासों आवाज आ गई इन्हें जनाब पानी परां कर दिता है कहन लगा मेरे उस वीर नू ज्यादा लोड़ा ने ओदे कोल लै जाओ ओदे कोल लैके जांदे आ जांदे आ वो अपने रब दे कोल चला जांदा है दौड़ के दूजे दे कोल आया ये भी रब कोल तुर गया पहले कोल आया ये भी रब कोल चला गया प्यासे थे प्यासे ही रहे दरिया को जलकता छोड़ गए ये नबी दे यार ने वो काबे दे रब दी कसमे एवें नी रब कहिंदा फाइन आमनू बेमिसले मा आमन तुम बे ही फाका देता दऊ वो तू दे भैणा दा हक खा जाए वीरां दा हक खा जाए वो तू जनाब लोगों तो कर्जा लेके खा जाए वो ज़कात दे पैसे खा जाए सदके दे पैसे खा जाए आन गवान दा जमीन ते कब्जे दा सोचे और यतीम माता हक खाने वालो आमिना दे लाल दे यारा दे बारे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फा इन आमनू बे मिसले मा आमन तुम बे ही फाका दे हता दो अगर तू वाकई मोमिन बनना चाहना है ते नबी दे यारा दा तर्ज ईमान अपनाना पे और नबी दे सहाबा सानू बड़े ही प्यारे ने दिलां दी ओ धड़कन नाले अखियां दे तारे ने नबी दे यार आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद मैं एक फेसबुक ते क्लिप वेख रहा सा एक जाहिल मौलवी जिन्हों लोग अलामा अलामा करके चढ़ाई फिरदे ने एक तकरीबन खिताब कर रहा है ते आका पाक दा नां लैके कहिंदा ओ क्लैपिंग बहुत ही करो तुहाडे सोहणे दा नां आया ताड़ियां मारो दुर फिटे मूं तेरी सोच ते तेरी अकल ते और तेरे चाहण वालियां ते तेरे मनण वालियां ते ते तेरे बूथे ते की करां लोग आंदे ने हजरत जी सख्त गल्लां ना करिया करो ओ यार सोहणे दा नाम आए ते की करो और तेरी अकल है क्लैपिंग बहुत ही करो मैं तेरा बूथा विच घर रख के ना क्लैपिंग करिए तू भी सीधा पदरा हो जाए तेनू पता लगे क्लैपिंग होन दई है लेकिन इन्हां परवानियां दा
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਲਬ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਬੀ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਲ ਔਲਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਵਤਨ ਵਿਸਾਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਸਹਾਬਾ ਦਸੀ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕੇ ਆ ਸੋਨੇ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਫਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਅਦਾਇਆ ਏ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਏ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰੇ ਅਜਮ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੱਸੀ ਮਦਨੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤੀ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਚੁਬਾਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆਕੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਗਵਾਹੀ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿਪਾਰੇ ਜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਜਰਾਰ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਜ਼ੁਨੂਰੈਨ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਨੇ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੋਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਫਾਇਨ ਆਮਨੂ ਬੇ ਮਿਸਲੇ ਮਾ ਆਮਨ ਤੁਮ ਬੇਈ ਫਾਕਾ ਦੇਹ ਤਦੂ